अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। जस्टिस एजाज ने आर्टिकल 179 और 206(1) के तहत इस्तीफा दिया। जस्टिस एजाज का इस्तीफा वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जस्टिस एजाज ने आर्टिकल 179 और 206(1) के तहत इस्तीफा दिया था। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आलीजा से। आलीजा, क्या तफसीलात हैं? राबता करने की कोशिश कर रहे हैं आलीजा से। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जस्टिस एजाज ने आर्टिकल 179 और 206(1) के तहत इस्तीफा दिया। जस्टिस एजाज का इस्तीफा वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूर किया गया है। अहम खबर है, जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया था, सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया था, और अब ये खबर आ रही है कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।